महवेश, सबसे पहले कुछ मूवी के बारे में बात करना चाहूंगा, सबसे उनके कैरेक्टर्स के बारे में कुछ पूछना चाहूंगा। क्या कैरेक्टर है आपका, अगर जितना बता सके? बहुत ही बेबाक सी लड़की है, अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना चाहती है और जानती भी है कि किस तरह अपनी बात को मनवाना है, किस तरह अपने हक के लिए लड़ना है। बट ऑल्सो दिल की अच्छी भी है साथ साथ, मतलब थोड़ी सी मैनिपुलेट भी हो जाती है कभी कभी, मासूम भी है, मासूम सी है। और उसको जो है ना वो सुपर नेचुरल चीज़ें बड़ी पसंद है। अच्छा, उसमें इंटरेस्ट है उसका? हाँ, ठीक है। तो ये बताना तो वो छत पे जाके जो है ना वो बाल सुखाती है अपने, बहुत ज्यादा उसके मतलब लंबे बाल हैं। वो जो है ना उसको एक इट्स अ थिंग फॉर हर कि वो जब जाती है छत पे अपने बाल सुखाने तो लड़के वड़के जो है ना वो इंतजार करते हैं उसको, इसकी एक झलक देखने के लिए कि सुबह बाल सुखाने आएंगी वो। हाँ, ये कैरेक्टर है, शाम में आएंगी मगरिब की टाइम। वाह, ये कैरेक्टर है। अच्छा, ये महवेश हयात से कितना दूर है ये कैरेक्टर? आई थिंक कुछ शेड्स ऐसे हैं उसमें जो मेरे पर्सनैलिटी से आई कैन रिलेट, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आई डोंट थिंक आई कैन रिलेट। आप इजीली गलेबल हैं रियल लाइफ में? यस आई एम। बेबाक को हमने आपको देखा है, आप हैं, आपको मैं देखता हूँ, आप यू टॉक अबाउट सोशल टॉपिक्स, तो मुझे तो लग रहा है ये आप ही का कैरेक्टर है, बस छत पे जाके बाल नहीं सुखाती होंगी अब आपको लग रहा है। Yeah, probably, yes. है ना, ऐसा है। अजी अली, आपके कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे जो फिल्म है जी, ठीक है ना, बाकी कैरेक्टर के बारे में नाम पर्सनली कर सकते, शो पे नहीं हो पाएंगे। अच्छा अच्छा, लेकिन फिल्म का कैरेक्टर जो है वो क्या है? फिल्म का कैरेक्टर है कि वो बड़ा ताबेदार से लड़का है, फैमिली बॉय जो होता है ना, बिल्कुल मामाज बॉय। हाँ, मामाज, पढ़ा लिखा है। अच्छा, बाहर पढ़ने गया था, काम भी किया था, मगर फैमिली की वजह से, बल्कि स्पेशली अपनी दादी के साथ इसका बड़ा लगाव है, तो उनकी वजह से वापस आ जाता है, उनको अकेला नहीं छोड़ सकता क्योंकि वो उन्होंने उनको उसको पाला और बड़ा किया, और बड़ा केयरिंग सा लड़का है, मतलब कि उसको दूसरों की फीलिंग्स का ज़्यादा एहसास होता है अपनी फीलिंग्स से ज़्यादा, वो अपनी फीलिंग्स से बढ़कर दूसरों की फीलिंग्स का ख्याल रखता है और चाहता है कि सब अमन में रहें और कोई किसी 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 के। कहाँ मिलते हैं ऐसे लड़के जो आपने कैरेक्टर बनाया भाई, कौन से लड़के हैं ये फिल्मों में? फिल्मों में मिल सकते, मेरे बड़ा करीब है मेरे एक्चुअल पर्सनालिटी। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि आई रिलेटेड टू हिम सो मच। ऑफ कोर्स, ये सभी जानते हैं आपको, कहते ही लोग सूफी हैं यहाँ पर पूरे शो बिज़नेस में। आप क्योंकि मूवी में हैं हीरो के दोस्त, ये तो मैंने देखा है, मगर वो क्या सिर्फ एक जिसे कहते हैं सपोर्टिंग रोल है या पूरा? मुझे ये भी लग रहा है कि तुम विलन भी तुम ही हो मूवी के, मुझे ऐसा एहसास हुआ। ये तो मैं चाहूंगा कि आप मूवी जरूर देखें, तो पूरी स्टोरी तो रिवील नहीं करूंगा, बट आई थिंक क्वाइट सिमिलर टू हाउ आई एम, बड़ा एनर्जेटिक सा लड़का है जो पूरे मूवी के अंदर जो फैमिली ड्रामा हो रहा है उसके अंदर भी बड़ा एक इंटेग्रल पार्ट है मेरा। एट द सेम टाइम जो एक प्यार मोहब्बत की आप स्टोरी देख रहे हैं इनके बीच में, उसमें भी लड़के का मैं बहुत अच्छा दोस्त भी हूँ, लेकिन दोस्ती इतनी ज्यादा है कि मैं उसको फिर थोड़ा तंग भी कर लेता हूँ, और उसके साथ भी मेरी थोड़ी प्यार मोहब्बत लव हेट रिलेशनशिप चलता है। सबके साथ आपका यही चल रहा है? हाँ, तो हर जगह डोल रहे हो। वजाहत भाई, आपने मूवी बनाई है, मैंने आज तक कभी भी किसी ऐसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर से बात नहीं की जिसने ये ना कहा हो कि यार ये बिल्कुल अलग है, ठीक है? तो आपकी मूवी बिल्कुल अलग है, आपने अलग कोने में बनाई है। इतनी अलग नहीं है, शादी ब्याह फैमिली वाली चीजें थीम्स वो हैं, ठीक है, पर जब मैं और मोहसिन बैठे थे स्टोरी के ऊपर, आई थिंक हमारे यहाँ ना जिन्नात का बड़ा बिलीफ है। जी जी जी, अच्छे भी और बुरे भी। हाँ, तो इस पे बात शुरू हुई, हमने कहा फिल्म इस पे बनाते हैं, इसलिए मुख्तलिफ है। मैं ये नहीं कहूँगा कि दुनिया की पहली फिल्म है जिसमें ऐसा हो रहा है, जी जी, लेकिन आई थिंक इन रीसेंट टाइम्स हमने पाकिस्तान में ऐसी मूवी नहीं देखी। अच्छा, जॉनरा इसका अगर आप बताना चाहें तो हॉरर कॉमेडी है या रोम कॉम है, क्या है? कह सकते हैं रोम कॉम, तो सारी फिल्में होती हैं हमारे, आपको पता है, पर इसमें थोड़ा सा हॉरर का भी एलिमेंट है और ये उसकी यूनिकनेस है और मुझे लग रहा है थोड़ा एक्स फैक्टर है।